जुड़ चुके हैं आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद में खबर है उदयपुर से, जहां पर बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए आमजन बढ़ा रहा है मदद के हाथ। इसी श्रृंखला में उदयपुर सुविधा सर्विस के द्वारा निशुल्क सैनिटाइजर का किया गया वितरण और आमजन को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए किया गया प्रोत्साहित। देखिए हमारी खास खबर। कोरोना संक्रमण के बीच मदद के कई हाथ एकजुट होने लगे हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव मदद कर रहा है। ऐसे में उदयपुर की सुविधा सर्विस की ओर से निशुल्क सैनिटाइजर की सेवा दी जा रही है। सुविधा सर्विस के मार्केटिंग मैनेजर दिलीप मेघवाल और उनकी टीम के गिरिराज कुमावत, हेमलता कुमावत, खुशबू पार, मणिलाल मीणा और योगेश मेघवाल पिछले एक साल से शहर के चौराहों, पुलिस नाकों, पुलिस थाना, सरकारी विभागों को, खासकर कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद संक्रमित के घरों को निःशुल्क सैनिटाइज कर रहे हैं। उदयपुर में अब गांव की ओर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुविधा सर्विस की टीम ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। खास बात यह है कि 24 घंटों साते दिन ये लोग निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उदयपुर शहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सुविधा सर्विस उदयपुर के प्रोपराइटर हमारे श्रीमान विजय कुमार जी सर ने एक मुहिम छेड़ी कि कोई भी घर, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा क्लब या कोई भी ऐसा गरीब परिवार जो सैनिटाइजर से वंचित रह जाए शहर की गलियां, उसे रोकने के लिए हमने निःशुल्क सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है। उदयपुर के हर थानों को हमने निःशुल्क किया है, उदयपुर की हर एक चौराहे को हमने निःशुल्क सैनिटाइजर किया है। नई बुजड़ा, सिसारमा, नोरा, चौकड़िया आदि जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे भी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उनको भी हमने निःशुल्क सैनिटाइजर कर दिया है। हमारे पास 24 घंटे सातों दिन काम आ रहा है निःशुल्क से के लिए, और जहाँ जहाँ हमारी टीम आ रही है वहाँ पर हमारी टीम में गिरिराज जी प्रजापत, हेमलता जी कुमावत, खुशबू पवार, मणिलाल मीणा और योगेश मेघवाल, हम सब